उदाहरण एक, सिद्ध कीजिए कि साइन की घात 4 थीटा ऋण कॉस की घात 4 थीटा बराबर साइन की घात 2 थीटा ऋण कॉस की घात 2 थीटा। हल, बाया पक्ष, बायां पक्ष में हमारे पास है साइन की घात 4 थीटा ऋण कॉस की घात 4 थीटा। साइन की घात 4 थीटा ऋण कॉस की घात 4 थीटा। अब साइन की घात 4 थीटा ऋण कॉस की घात 4 थीटा को हम लिखेंगे साइन की घात 2 थीटा कोष्टक में, कोष्टक के बाहर की घात 2 ऋण कॉस की घात 2 थीटा कोष्टक के अंदर साइन की घात 2 थीटा कोष्टक के अंदर की घात 2 ऋण कॉस की घात 2 थीटा कोष्टक में और की घात 2 बराबर। इसे हम a की घात 2 ऋण b की घात 2 में सरसमीका का प्रयोग करेंगे। a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a ऋण b और a धन b। यहाँ a हमारे पास साइन की घात 2 थीटा है, तो a साइन की घात 2 थीटा ऋण कॉस की घात 2 थीटा, ये हमारा b है। उसी तरह से साइन की घात 2 थीटा धन कॉस की घात 2 थीटा। चूंकि हम जानते हैं कि a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर होता है a ऋण b और a धन b। उसी तरह से आगे हम देखते हैं, ये हमने साइन की घात 2 थीटा ऋण कॉस की घात 2 थीटा लिखा। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन की घात 2 थीटा धन कॉस की घात 2 थीटा का मान 1 होता है, तो गुणा 1। चूंकि साइन की घात 2 थीटा धन कॉस की घात 2 थीटा बराबर 1 होता है, तो हमने साइन की घात 2 थीटा धन कॉस की घात 2 थीटा के स्थान पर 1 लिखा। और जब ये साइन की घात 2 थीटा ऋण कॉस की घात 2 थीटा से 1 गुणा होगा, तो हमारे पास साइन की घात 2 थीटा ऋण कॉस की घात 2 थीटा प्राप्त होगा, जो कि हमारा दायां पक्ष है। तो इस तरह से हमने बाएं पक्ष को लेते हुए दायां पक्ष को प्राप्त किया। इस तरह से हमारा उदाहरण एक जो है हल होता है कि साइन की घात 4 थीटा ऋण कॉस की घात 4 थीटा बराबर साइन की घात 2 थीटा ऋण कॉस की घात 2 थीटा। यह इस उदाहरण का हल होगा।